बाणी में हमको ये बहुत सुंदर जीव और जीव की स्थिति और ईश्वर से जो उसके प्यार की जो मोहब्बत की बात है वो बहुत सुंदरता से मिलती है पर जिसको हम कह रहे हैं तू और जिसको कह रहे हैं मैं देखिए पहली पंक्ति में दोनों बातें आई तू दरियाओ दाना बीना मैं मछली कैसे अंतला तो इसमें तू भी आया है और इसमें मैं भी आया है और वेदांत दर्शन ये तू को भी समझाएगा और इसमें को भी समझाएगा देखो आज आप अपने इस शरीर को मैं कह रहे हो पहले कोई और था तो उसको मैं कह रहे थे फिर किसी और को मैं कह रहे थे जस्ट इमेजिन um, हम पचास अगर पॉसिबली कल्पना से हाइपोथेटिकली आई एम सेइंग इफ हाइपोथेटिकली वी क्रिएट फिफ्टी डिफरेंट फेसेस ऑफ यू एंड सम हाव मे बी थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन और थ्रू सम हेल्प ऑफ आर्टिस्ट वेर यू कैन एक्सप्लेन वट यू सॉ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सच है नहीं है मैं इस विषय में नहीं जा रही पर हमारे यहाँ भी जब पार्स लाइफ रिग्रेशन हुई तो कईयों ने अपने चार कईयों ने छह जन्म देखे अलग अलग शरीर देखे कभी उसमें मैं लग रही थी कभी उसमें मैं लग रही थी कभी उसमें मैं लग रही थी और किसी आर्टिस्ट की मदद से या मान लो वो बंदा खुद एक आर्टिस्ट होए और वो आर्टिस्ट खुद ड्रॉ करे अपने ही स्केचिस को एक से एक न मिले जैसे अभी बिल्कुल रीसेंट ऑस्ट्रेलिया में एक आठ साल के बच्चे का ये कहना है कि वो प्रिंसेस डायना था तो मां बाप ने सोचा कि शायद फोटो देखे हैं या कोई टीवी या कहीं से इसलिए ऐसा ये जस्ट जिस बोल रहा है लेकिन वो हैरान तब हुए जब उसके जब वो दो बेटे हुए थे उन दो बेटों के जन्म के समय में ही मैंने ये किया था मैंने वो किया था ये सब बातें वो बोलने लग गया बिल्कुल रिसेंट है ये आठ नौ साल का बच्चा है और वो ये कह रहा है मैं अब अखबार वाले उसको क्या दे रहे न्यूज नाइन ईयर ओल्ड बॉय इज क्लेमिंग दैट ही वॉज प्रिंस डायना इन हिज लास्ट बर्थ ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू मेक फन ऑफ इट तो मजाक बनाए ऐसे कैसे हो सकते लेकिन हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में ऐसे कम से कम 25,000 केसेस रजिस्टर्ड हैं जहां साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स मनस्वित और डॉक्टर्स और ऐसे एक फिलासफी के लेक्चरर्स और मतलब एक पूरी टीम थी सात आठ लोगों की तो जहाँ मालूम होता है ना कि ये कह रहा है कि मेरा ये जन्म मेरा ये घर नहीं है मेरा घर वहाँ है तो वो उस इंसान को मिलने जाते वो इंसान जो डिटेल देता उस डिटेल को लेके फिर वो पर्टिकुलरली उस जगह उस शहर उस गांव उस देश में जाते जैसे एक ने कहा कि मेरे को यहाँ चाकू मार के मार दिया था कहां मारा था कुछ जगह बता सकते हो हाँ बता सकता हूं वो उस जगह में ले गया फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया फिर उन्होंने मिट्टी खोदने वालों को बुलाया और मिट्टी खोदने के नीचे लाश मिली और अजीब बात थी कि इस जन्म में उसके गर्दन के ठीक उसी जगह पर एक घाव का निशान था बाई बर्थ तो ऐसे पच्चीस हजार केसेस इन्वेस्टिगेटेड और ख्याल रहे उनमें से एक भी हिंदू नहीं है एक भी भारतीय नहीं है कोई ज्यू है कोई क्रिश्चियन है तो अलग अलग धर्म के लोग हैं और वो कहते हैं ना कि हम विज्ञान में धर्म को मिक्स नहीं करते तो डजेंट मैटर्स वो किस रिलीजन के लेकिन पच्चीस हजार अकेले स्टैनफर्ड में केसेस हैं हार्वर्ड में अलग से हैं तो बहुत लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करी और यहीं से ईसाइत कि जड़ें हिल गईं क्योंकि वो कह रहा है एक ही जन्म है और यहाँ कितने लोग हैं और उनके किए दावे की बकायदा उन्होंने खोजबीन करी और पाया कि हाँ ऐसा हुआ है भारत में ऐसे कई केस हुए डॉक्टर इरविन ने यहाँ भारत के बहुत से केसेस करे हैं जो अखबारों में बड़ी चर्चा में रहे इसमें भी फिर ये कत्ल हुआ था और वो बच्चे ने अपनी पुराना घर पुरानी बीवी और मेरा वो संदूक है उस संदूक में ये है उसके ये है वहाँ पे मैंने ये रखा है वहाँ मैंने ये रखा है अब वो छोटा सा बच्चा इतनी सारी डिटेल कैसे जान सकता तो किस जन्म के किस शरीर को तुम मैं मानूँ और मान लो अगर आपके चित्त में से ये सारी स्मृतियाँ बाहर आ जाएं तो देखो कितनी परेशानी हो जाए जैसे एक हमारे आ, बहुत वर्ष पहले आ, एक इटालियन महिला अपने पंजाबी पति के साथ हमारे पास कुछ समय आती जाती नहीं सत्संग में उन्होंने उन, उन्होंने अपनी बात सुनाई दुनिया में जिन्होंने सबसे ज़्यादा पास्ट लाइफ रिग्रेशन को प्रचलित किया उस उसी डॉक्टर्स वैस के साथ उन्होंने वर्कशॉप्स करे थे जिसमें उन्होंने अपना रिग्रेशन कराया और उसमें ये पाया कि वो इजिप्ट में कहीं थीं और उसमें उनको पत्थर मार मार के जिंदा कब्र में डाला गया था और उस समय का जो उनका भाई उनके साथ जब उसको पकड़ के ले जा रहे थे तो वो उनका भाई उनके साथ था और वो आज इस जन्म में उसका पति है उसका नाम मरिया तो मरिया ने कहा कि जब मैंने अपने हस्बैंड को फर्स्ट टाइम देखा तो मेरा बस बिल्कुल मन बंद गया जान न पहचान और फिर खुद से उसने दोस्ती का सुझाव दिया और फिर वो दोनों मिलते रहे और फिर दोनों ने शादी कर ली फिर कहती मुझे ये नहीं मालूम कि मेरा पहले से इससे कुछ संबंध रह चुका है और वो जब मिट्टी में उसको फेंका गया था और ऊपर से जब मिट्टी उस पर डाली गई थी वो आखिरी सांस के लिए जो वो तड़पी है वो एक एक चीज को रिग्रेशन में उसने देखा अब इस रिश्ते में और उस रिश्ते में क्या कोई फर्क हुआ अब क्या है मूल रूप से मन में अज्ञान है तो अज्ञान की वजह से पर्दा मन पे पड़ा ही रहता है तो वो जब भाई था तो भाई से मोह था आज वो पति है तो पति से मोह है यही तो बेवकूफी है इसी बेवकूफी को खत्म करने के लिए हमको वेदांत की ज़रूरत पड़ती है जहाँ तू क्या है और मैं क्या है दोनों का फ़र्क क्या है दोनों का संबंध क्या है दोनों का स्वरूप क्या है ये हमको वेदांत दर्शन से ही मालूम हो पाता है और इसी वेदांत विद्या के वजह से आप समझ पाएंगे कि आप असल में हैं कौन